सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज का जो हमारा टॉपिक है थ्रेसिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम, यह बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह टॉपिक आपका मल्टी प्रोग्रामिंग से डायरेक्टली लिंक है। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब यहाँ पे है कि मोर देन वन प्रोसेस रिसाइड्स इन मेन मेमोरी, मतलब एक से ज़्यादा प्रोसेस मेन मेमोरी में मींस रैम में रहें। तो जब एक से ज़्यादा प्रोसेस मींस मल्टीपल प्रोसेस, जितनी ज़्यादा प्रोसेस हमारी रैम में रहेंगी तो हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो सीपीयू यूटिलाइज जब प्रोसेस कम होती हैं, तो अगर कुछ प्रोसेसेस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हैं तो उस टाइम आपका सीपीयू आइडल कंडीशन में चला जाता है। आइडियल कंडीशन में जैसे ही आपका सीपीयू जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस कम होती है, मतलब हमें सीपीयू को फुली बिजी रखना है, उसका यूटिलाइजेशन बढ़ाना है। तो यूटिलाइजेशन हम कैसे बढ़ा सकते हैं? डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स मोर देन 2, 3, 4 एंड मल्टीपल प्रोसेस एक साथ हमको मेन मेमोरी में रखना होगा। लेकिन यह भी पॉसिबल नहीं है कि मेन मेमोरी में पूरा का पूरा प्रोसेस रखें, तो हम पेजिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। पेजिंग के कॉन्सेप्ट से हम प्रोग्राम्स को मल्टीपल पेजेस में, छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेते हैं और उन प्रोग्राम्स को हम मेन मेमोरी में एलोकेट करते हैं। अब हमें डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ानी है तो हम जैसे रखते हैं प्रोग्राम वन का एक पेज, प्रोग्राम टू का एक पेज, प्रोग्राम थ्री का वन पेज, प्रोग्राम फोर का वन पेज, इसी तरीके से मल्टीपल मीन्स प्रोग्राम एन का पहला पेज। तो हमने इस तरीके से अपने रैम को बढ़ाया, मीन्स डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को बढ़ा दिया, उसको मैक्सिमम कर दिया। अब हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ेगा। जैसे कोई एक प्रोग्राम है वो कोई भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो दूसरा एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर प्रोसेसर को प्रोग्राम वन का दूसरा पेज चाहिए, प्रोग्राम वन का दूसरा पेज चाहिए मींस P12 चाहिए, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मीन्स पेज फॉल्ट अकर करेगी। जब आपका पेज फॉल्ट होगा मीन्स वो पेज नहीं है, तो आपको स्वैपिंग परफॉर्म करनी होगी। जब आप स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे मीन्स पेज फॉल्ट सर्विस टाइम लगेगा। पेज फॉल्ट सर्विस टाइम क्या होता है कि जो पेज मेन मेमोरी में नहीं होता है उस पेज को सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में लाया जाता है, उस टाइम आपका सीपीयू आइडल कंडीशन में रहता है, मींस प्रोसेसिंग उसकी स्टॉप हो जाती है। अगर सपोज दैट प्रोग्राम टू का भी उसको दूसरा पेज चाहिए तो फिर से आपका पेज फॉल्ट होगा, प्रोग्राम थ्री का भी पेज चाहिए तो आपका फिर से पेज फॉल्ट होगा। इससे क्या होगा, पेज फॉल्ट आपका इंक्रीज होता जाएगा और पेज हिट आपका डिक्रीज होता जाएगा। तो बार बार पेज फॉल्ट सर्विस टाइम इंक्रीज होगा, जिस वजह से एक इस तरीके का ग्राफ रेडी होगा कि एक तरफ हमने सीपीयू यूटिलाइजेशन को दिखाया और एक तरफ डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को। तो कुछ टाइम पे जब हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को मिनिमम रखते हैं, मतलब कम प्रोसेस होती हैं, तो आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ता है। लेकिन एक टाइम लिमिट पे जब हमारी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मैक्सिमम होने लगती है तो वहाँ से हमारा प्रोसेसर स्वैपिंग पे ज़्यादा फोकस करता है, मीन्स पेज फॉल्ट इंक्रीज होने लगती, उस पॉइंट से आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन लो हो जाता है। वो कंडीशन, वो फिनोमिना थ्रेसिंग कहलाती है। मींस जब आपका रैम का साइज नंबर ऑफ पेजेस को एकोमोडेट करने के लिए कम हो जाता है तो आपका थ्रेसिंग होता है, मींस
थ्रेशिंग आपका एक ऐसा फिनोमिना है जहां पे पेजेस को बार बार स्वैप इन स्वैप आउट परफॉर्म किया जाता है, मतलब एग्जीक्यूशन ना होके सिर्फ पेजेस की स्वैपिंग हो रही है, तो इससे हमारा सीपीयू यूटिलाइजेशन लो हो जाता है। उस कंडीशन को, उस फिनोमिना को हम थ्रेशिंग कहते हैं। अब थ्रेशिंग को कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं या थ्रेशिंग को कैसे हम रिमूव कर सकते हैं, तो सबसे पहले मेन मेमोरी के साइज को इंक्रीज किया जा सकता है, लेकिन यह भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम बार बार मेन मेमोरी के साइज को हम इंक्रीज करें, क्योंकि आप जैसे कोई लैपटॉप लाते हैं, डेस्कटॉप है, तो आप एक टाइम पीरियड तक ही आप मेन मेमोरी के साइज को बढ़ा सकते हैं। दूसरा है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर यूज करके। ऑपरेटिंग सिस्टम में तीन टाइप के शेड्यूलर होते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस को मेन मेमोरी में लोड करके रखना। तो अगर हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कम कर दें तो हम थ्रैशिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब थैंक यू, आपको समझ में आया होगा थ्रैशिंग।